सोहेल को स्वागत करते हो फिर से एक न्यू वीडियो पर हमारे YouTube चैनल प्रणव ब्लॉग्स पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ओजो ऐप पर अकाउंट लॉग आउट कैसे करें। इस वीडियो में गाइस आप लोगों को सब कुछ बताएंगे कि कैसे आप लोग ओजो ऐप पर अकाउंट लॉग आउट कर सकते हो। फ्रेंड, ये जानने के लिए गाइस आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल का ओजो एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओजो एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद गाइस कुछ इस तरह के पेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और नीचे में आप लोगों को इस आदमी का आइकन दिखाई देगा। इस पर आप लोगों को क्लिक, उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आप लोगों को फिर से। और गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, ओजो ऐप पर यहाँ पर मेरा अकाउंट शो हो रहा है। और गाइस मैं अभी आप लोगों को इस अकाउंट को लॉग आउट करके अभी आप लोगों को दिखाते हैं। उसके लिए गाइस ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोगों को इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, उसके बाद यस पर टच कर देना है। और गाइस मैं बैक जाता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड ओजो ऐप पर अकाउंट लॉग आउट हो चुका है। इस तरीके से फ्रेंड आप लोग ओजो ऐप पर अकाउंट लॉग आउट कर सकते हो। फ्रेंड वीडियो पसंद आई तो कर देना है वीडियो को, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आई है तो कर दो एक सब्सक्राइब लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए गाइस आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।